أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون सामने तिलावत की है हजरात, ये किसी शायर का कलाम नहीं, कुरान पाक इरशाद हो रहा है कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए, नस्तईन मदद मांगो, किससे मदद मांगो, नमाज से और सब सलाम मदद मांगो ऐ ईमान वालों, मदद मांगो नमाज से और सब्र से। और तहकीक के जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं, उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। बल आ जाऊं वला किला तशरून, और तुमको शऊर नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी को जा सको। अल्लाह कला में वो जिंदा हैं और हम देख रहे हैं कि जिंदा हैं, और उन्हें मुर्दा न कहो। भला नल्लो बंदा कौन शैन जाला, मुसाविन कौन है, उनकी तशरीह कर, बता हमें कि वो साबरीन कौन है। ये नहीं कि रात 10 रुपए गुम हो गए, अदा सब्र कर। अरे बाबा, जो सब्र सब्र ना है साबरीन है, मुझे ना चलना है साबरीन खिला खुदा सब खुदा नब लो विशैन बिना खौफ। और देखो हम खौफ से आजमाए, खौफ वर्जू और भूख से आजमाऊ, वरना सिंह लम्बार और माल के नुकसान से भी आजमाऊ, वर्ण गुजर और समरा और जान के और औलाद के नुकसान से भी आजमाऊंगा। समरात मुराद यहाँ औलाद। देखो मैं तुमको आजमाऊंगा जान के नुकसान से और औलाद के नुकसान, और वो सामरीन लोग वो क्या कहेंगे, ऐ मेरे महबूब जब उन पर ये मुसीबतें नाजिल हो जाए। कौन कौन से खौफनाक, खौफ से आजमाऊंगा करबला का खौफनाक सहरा, और 3 दिन की धूप और खेमे लूट लिए जाए। बादशाह इमाम आलिम खराब खयाम अहले बैत में काफिर इस तरह से खुश आए जैसे वो लूट के माल को इकट्ठा कर रहा है, माल के नुकसान से आलू और जान के नुकसान से आलू। 72 शहीद हो गए, 72 शहीद हो गए, खांजे गए, भतीजे गए, अंसार गए, अहबाब गए, असहाब गए। 72 एक दिन में तारीख इस्लाम क्या तारीख आलम इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते। इमाम आलिम हजरत की कुर्बानियों को तारीख आलम पेश नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोगों ने इसको मिटाने के मनसूबे बनाए कि ये तहरीक खत्म हो जाए, लेकिन आप देख रहे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
आज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हजरत अली हुसैन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे बाप दादा आज से 1400 बरस पहले हजरत अली हुसैन मना रहे थे, आज हम मना रहे हैं। और ये सिलसिला कयामत तक जारी और सारी है। हजरत इमाम अली मकान जैसा बहादुर इंसान तारीख आलम में, तारीख आलम लिखा है कि यूं तो बहुत लड़ा वो शहंशाह करबला, पर तीन हमले वो किए मैदान में लड़ गया। फतेह खैबर का बेटा है, तीन हमले वो किए मैदान में लड़ गया। एक दफा नहीं मने तो झुके शाह करबला, भाई तनहा ने 10,000 को फिनार कर दिया। और रुक जिस तरह जिहाद को मोड़ा हुसैन ने, 100 कदम पे सर को छोड़ा हुसैन जितनी मुख्तसर सी फौज इमाम आलम खान की फौज को बुलाए रखी कि 6 महीने का बच्चे से लेकर 86 वर्ष का बुढ़ा आज की फौज में शामिल। और दुश्मन लातादाद फौजें मैदान करबला में गया। एक अंग्रेज मोहल्ले वो कहता है कि मैं हैरान कि आखिर ये बात क्या, लाखों की फौज और ये चंद लोग 5 साल 7 साल 12 साल 13 साल के बच्चे, ये लोग इस तरह से इनका मुकाबला है। समाज फरमाइए रोज़े आशूर है और यहाँ पर अरवाह है, अहले बैत भी मौजूद होंगी, मेरा ईमान है। गौर से समाज फरमाइए तो लिखता है कि आई कलेक्ट द एंटायर आर्मी ऑफ यूरोप ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द सरफेस ऑफ इराक। कहता है कि अगर मैं तमाम यूरोप ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की फौजों सरहदी इराक में इकट्ठा कर दूं, कहता है इवन देन देयर कैन बी नो कंपैरिजन ऑफ द कंपेनियन। और फिर भी हजरत इमाम हुसैन उन साथियों का मुकाबला बड़ा मुश्किल। हू कंसिस्टेड ऑफ 72 ओनली, जो सिर्फ 72 हूं कंसिस्टेड। वो कहता है आई रीच टू दिस कंक्लूजन कि देयर वाज अ पावर बिहाइंड दो सोल्जर। मैं नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन मुजाहिदों के पीछे कोई ताकत कोई गैर नामों की ताकत दैट पावर वाज गॉड। और मेरा ईमान है कि वो ताकत अल्लाह इमाम आदम मकाम ने बहादुर कुर्बानियां दी, दुनिया की तारीख बदल के रखी। और जब ये सब कुछ हो चुका तो आसमान की तरफ मुंह उठाए कहते हैं कि तक अकबर तो मेरा हो चुका है रब्बुल रहूम, अकबर तो मेरा हो चुका है रब्बुल रहूम। अब अगर किसल इमामत में हो तुझको तो कद आबिद करूं, करता हूं मैं बानों के हजूर, मैं ये नबी और मैं खलील आज से हो जाए गर्व के हाथ हलक पर तो कलम हाथ करूं, हाथ से रुवा करूं हाथ से रुवा करूं लब से मुनाजात करूं। ये हजरत इमाम अली मकान और आप लड़ रहे थे दीन इस्लाम की
आप यारी फरमा रहे हैं अपने खून से करबला के मैदान में सैनिक सेठ हिजरी में एक नई तारीख लिख रहे हैं और लिखा है कि बाद शहादत अली जो अंसार इमाम मजलूम जब तन्हा रह गए तो फिर क्या हुआ, फिर आपने सा बुलंद किया सिविल तीन मरतबा आपने इस तरह से बुलंद किया है कोई जो मुझ गरीब की मदद हुआ है कोई हर सुनना है जो कोई मुझ गरीब की मदद को आए लिखा है जब पहली आवाज थी तो जिब्राइल और मीकाईल आ गए मौला हम हाजिर हैं का हट जाओ ऐ जिब्राइल और मीकाईल तुम नहीं जानते ये अल्लाह ईरान में इम्तहान दे रहे हैं जब दूसरा इस तरह सा बोलने तो लिखा है कि जाफर दिन आ गया और जाफर ने हाथ मांग लिया मौला मैं हार आप हुकुम दे कहा हट जाओ जाफर ये अल्लाह और मेरे तो प्यार ये इम्तहान है हट जाओ जब आपने तीसरा इस तरह सा बुलंद करवाया तो क्या हुआ अली असगर ने अपने आप को झूले में गिरा दिया और इमाम असगर को लेके करबला में पानी तलब किया फुरमला ने तीर से दावत की तीर से फैल फेंका जिससे हल्के असगर और इमाम आली मकान को काबू किया और क्या कैफियत है इमाम मजलूम की असगर चादर में छुपा के खेलने की तरह और इससे पहले वो जो खून असगर था आपने कोशिश की कि आसमान की तरफ आसमान ने कहा मौला इस मासूम का खून अगर आपने फेंका अहमद तक एक बूंद पानी नहीं चुनाचे आपने वो खून जमीन पर फेंक दिया एक दाना अहमद तक नहीं आपने लाचार उस खून को अपने चेहरे पर मारा और खेमे की तरफ गए अली असगर की लाश लेके गए उम्मे रुबात इंतजार में थी क्या लाल है अब यह हालत हुसैन जैसे सारे इंसान की लाश है अली असगर को खेमे में ले जा नहीं सकते पाँव लड़ खड़ा रहे क्या फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सात मरतबा आपने ये फेर दो गया सात मरतबा मेरे बाप ने पूछा मौला आप जख्मी हैं ये खून आपके माथे पे तीर लगा है फरमाया उम्र बाद मैं जख्मी हूं ये देख छह महीने का बच्चा चुनाचे आपने उस वक्त ये कोशिश की कि मैं अली असगर को दफन करूं चुनाचे आप ले गए मक्तलगाह में तलवार से कब्र खोली अली असगर को दफन अमीर मुख्तार ने जब उसका दौर आया तो बेलदारों के सरदार को बुलाया कहा कि ये बताओ कोई लाश इमाम हुसैन ने दफन की ये अली असगर की लाश अली असगर की लाश क्यों दफन की तो उन्होंने कहा कि अमीर हमें कुछ पता नहीं बेटा अली असगर अली अकबर जवान आदमी उसका जिस्म
घोड़ों के साथ सह सकेगा, तुम 6 महीने की जान बेटा, तेरा जिस घोड़ों की सुनो तुम नहीं सह। तो कहा अमीर मुख्तार ने पूछा क्या बच गया, कहा कि नहीं। फिर 11 साल जब एक सर कम हो गया तो सरदारी ने गड़बड़ा मेरदों के साथ छाना, और घर को तन से जुदा करके अल्लाह लानतुल्लाह है।